ओके गाइस, तो आज हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं निंजा 1000 का सारा इंडिकेटर सेटअप जो है उसको एलईडी में कैसे बदलें और एलईडी के साथ उसका फ्लैशर भी। तो लेट्स गेट ऑन विद इट। ओके, तो जो जो चीज़ें मैंने चाइना से मंगवाई हैं, मतलब AliExpress से, वो ये है। एक फ्लैशर, ये अपना स्टॉक फ्लैशर को रिप्लेस कर देगा, और ये है उसके इंडिकेटर्स, जिसमें से ये वाला जो है ये फ्रंट इंडिकेटर, और ये वाला जो है ये है रियर इंडिकेटर पीछे का। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पीछे के इंडिकेटर्स को चेंज करने से। बस इसको पीछे से खोलना है, इसका आगे का रिफ्लेक्टर निकल जाता है, पीछे से इसको होल्डर निकालना है और बल्ब को चेंज कर देना है। तो मैं अभी इसको खोलना शुरू करता हूँ। हमेशा स्क्रू संभाल के रखना। ओके, तो ये जैसे ही मैंने ये स्क्रू खोला, ये आ गया बाहर इसका पूरा असेंबली। पीछे होता है बल्ब। अभी इतना ध्यान रखना कि ये जो है ये निकालने के बाद रिफ्लेक्टर के अंदर धूल जाने की चांसेस है, तो ये काम ज़रा फटाफट कर लेना। इसके बाद पहला काम बिफोर आई फिट द स्क्रू, ये चेक करना है कि ये एलईडी जल रहा है या नहीं। आपको दिखेगा ये नहीं जल रहा है। तो इसका बहुत आसान तरीका है, इसको निकालो, खींचो बाहर, पलटी मारो, ये ऐसे था, पलटी मारो और बिठा दो, ये लग गया जलने। बस इसको वापस टाइट एंड सिक्योर, ये क्लिक लॉक होने तक रोटेट करके बिठा दो, उसके बाद ये हो गया फिट। उसके बाद से इसको काम बिठाना काम होता है। हाँ, दूसरा वाला बराबर सेम प्रोसीजर। आप ब्राइटनेस चेक कर सकते हो, दिन में वैसे इतना कुछ खास नहीं दिखाई देगा, लेकिन ये इसका जिस हिसाब से इसका ग्लो इन ग्लो आउट हो रहा है, आप इसका चेक कर सकते हो कि ये ग्लो इन ग्लो आउट का पैटर्न कैसा चेंज हो रहा है इसका। हाँ, तो भैया कोई कोई पूछ लेता है कि वो फ्लैशर बदलने की क्या ज़रूरत है। लेफ्ट साइड का जला कर दिखाता हूँ, यहाँ पर ये देखो, ये इसका फ्लैशर का स्पीड सही है। अभी मैं एक एलईडी ये चेंज किया है, सिर्फ एक ही एलईडी चेंज किया है, और मैं राइट साइड का दिखाता हूँ तो आप लोगों को दिखेगा ये हाइपर फ्लैश हो रहा है। तो इसका मतलब ये सही स्पीड पे फ्लैश नहीं हो रहा है। अब ये पर्सनल चॉइस है, किसी किसी को अच्छा लगता है, किसी किसी को नहीं अच्छा लगता। मैं चाहता हूँ ये कंपनी के स्पीड से ही ये फ्लैश करे, तो इसलिए मैं उसका फ्लैशर रिले बदल रहा हूँ। अब आता है इसका सबसे मुश्किल काम, और वो है इसका रिले बदलने का काम और फ्रंट इंडिकेटर। शॉर्ट में बताया जाए तो फ्रंट इंडिकेटर बदलने के लिए इसका पूरा फेयरिंग का नेटवर्क निकालना पड़ता है, क्योंकि इसका जो फ्रंट इंडिकेटर बल्ब है ये वाला, ये कहीं से भी हम इसको हाथ नहीं लगा सकते, ना ये बाहर से निकलता है, ना ये यहाँ से एक्सेसिबल है। ये देखो, ये यहाँ से ये सील्ड है पूरा, और इसका रिले यहाँ कहीं तो अंदर है। तो उसके लिए इसका जुगाड़ यही है कि इसको पूरा खोल डालो। निंजा 1000 2017 वर्जन के बाद से जो कि सारे बाइक्स हैं उसकी ये जो फेयरिंग आती है वो आती है दो पार्ट्स में मेनली। उसमें से पहला पार्ट है ये, और दूसरा पार्ट है ये पूरा, और ऐसा ही दूसरे साइड में। इसको खोलने के लिए हमको करना क्या पड़ेगा कि यहाँ पे एक बटन है और यहाँ पे एक स्क्रू है। ये बटन को ये ऐसे अगर प्रेस कर दो तो ये अंदर चला जाता है, दिखाता हूँ जूम करके। ये मैंने इसको दबा दिया अंदर, ये अंदर दबाने के बाद इसको या तो नाखून से खोलो या फिर कोई फ्लैटेड स्क्रू ड्राइवर से खोलो। निकल गया इसका बटन ऐसे,
जब उसको वापस बिठाना होता है ये इसको बाहर निकाल देना होता है और इसको दबा के अंदर दबा देने का और फिर इसको फ्लश ऐसे सील कैसे बिठा देने का, ये बिठाने का प्रोसीजर है। निकालते वक्त यहाँ से दबाना है ताकि ये अंदर चले जाए और इसका लॉक वापस रिलीज हो जाए, उसको खींच के बाहर निकालना होता है। तो इतना आसान है इसका ये बटन। स्क्रूज हमेशा संभाल के रखियो हर बार। इसको ये 4 नंबर के हेक्स बोल्ट से मैं खोल रहा हूँ। ये हर एक ये स्क्रू के पीछे एक वॉशर है, इसको खोलना मत। अगला काम है इसके अंदर, ये खोलने के लिए इसके अंदर 4 स्टब्स हैं जो पुश इन हो जाते हैं बॉडी के अंदर। इसके पोजीशन है 1, 2, 2 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है, तो शायद 3 है, 4 नहीं है, 3 है। अभी खोलते हुए पता चल जाएगा। पहला वाला तो ये खींच के मैं खोल देता हूँ। ये अभी आपने आवाज़ सुना, ये देखिए ये प्रेस आउट, ये निकल गया। उसके बाद ये वाला ये खींच के निकल गया, यहाँ पे भी ये रिलीज हो गया। और उसके बाद अगला काम होता है कि इसको स्लाइड करना, क्योंकि यहाँ पे कुछ खटकियाँ हैं जो अंदर जाके इसके अंदर खिसक के बैठ जाती है। तो अभी मैं इसको सरकाता हूँ, ये निकल गया। ये देखिए ये चीज़ें हैं, ये जो चीज़ें हैं ये हर एक एक होल में अंदर बैठ जाती हैं। ये वाले ये 1, 2, 3, 4, 5 ये सारे अपने अपने होल्स में बैठती हैं। बिठाना थोड़ा सा ट्रिकी है, तो आराम से बिठाना है, निकालना बहुत आसान है। तो ठीक है, ये वाला निकल गया। इसको ठीक से सेफली कहीं तो रख दो ताकि पैर के नीचे ना आ जाए। एक्चुअली ये निकालने के पहले मुझे ये भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर कुछ स्क्रूज़ हैं। तो ये निकालना, ये पीस निकालने के लिए मुझे ये 2 स्क्रूज निकालने पड़ेंगे। ये भी 4 वाले हेक्स बिट से खुल जाते हैं। खोलते वक्त आराम से खोलना है, दबाना नहीं है, क्योंकि पीछे यहाँ पे रबर के ये नट्स आते हैं, ये वाले रबर माउंट हैं, टूट सकते हैं। नई गाड़ी पर टूटना मुश्किल है, लेकिन अगर गाड़ी समझो 1-3-4 साल पुरानी है तो रबर टूट सकता है, तो संभल के। तो इसको मैं अभी इसको ऐसे खींचता हूँ, ये ऐसे ऐसे खींचूंगा इस तरह से। ये निकल गया और ये निकल गया, बस नीचे से खिसक गया। अब ये बड़े पीस ऑफ फेयरिंग को खोलने के लिए मुझे खोलने पड़ेंगे ये 4 नंबर का, 4.5 नंबर का है। फिर ये वाला, ये शायद 6 नंबर का है, और ये वाला 6 नंबर का हेक्स है, ये और ये। और यहाँ पे एक थंब स्क्रू है ये वाला, और ऐसा ही एक नीचे है, मैं दिखाता हूँ, ये वाला। और उसके बाद यहाँ पे कुछ बटन्स हैं अंदर, हाँ ये बटन ये इसको बिठाते वक्त इसे अंदर डाल देना है, इसको दबा देना है। उसके बाद ये प्लग खोलनी होती है, ये इंडिकेटर का प्लग है, इसके बगैर ये फेयरिंग बाहर नहीं आएगा। ये बटन दबाया तो ये नीचे से वायर निकल आता है, ये वाला, दैट्स इट। उसके बाद
ये वाला भी निकालना होता है। इसको अंदर यहाँ पे एक अजीब सा एक प्लग है जो आपको दिखाई देगा शायद, एक मिनट, ये दिख रहा है जो घूम रहा है, ये निकालना है यहाँ से। इसको ऐसे पिंच प्रेस किया तो ये निकल आता है, ये आ गया बाहर। इसको रख दो अंदर। यहाँ पे एक और सेंसर है, यहाँ पे एक पीछे प्रेस बटन है, पीछे की तरफ है जहाँ पे मैं उंगली डाल रहा हूँ, वो उसको दबाना है और खींचना है, ये सेंसर आ जाता है बाहर। ये देखो वो प्रेस बटन जो पीछे की तरफ रहता है ऐसे, और यहाँ पे बिठाना है उसको बाद में फिटिंग के वक्त। अभी सारे स्क्रूज निकल गए हैं, सारे बटन मैंने निकाल दिए हैं, अभी सिर्फ बाकी रह गया इस फेयरिंग को निकालना। इस फेयरिंग को निकालने के लिए यहाँ ऊपर की तरफ एक हुक है, इसको करना है रिलीज़ ऐसे, और इस बॉडी के इस एरिया में एक प्रेस बटन है, उसको ऐसे खींच के रिलीज़ करना है, और इस पूरे फेयरिंग को पीछे की तरफ धकेलना है। ये आ गया बाहर, ये दिख रहा है रिलीज़ हो गया है फेयरिंग। आ गया, अब हमारा काम है इसमें बल्ब को चेंज करना। बल्ब आपको दिखाई देगा यहाँ से, ये पीछे की तरफ यहाँ पे है, ये यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये बल्ब है यहाँ पे बैठा हुआ। इसको हम खींच के बाहर निकालेंगे, ये भी ट्विस्ट सिस्टम ही है, तो ये थोड़ा सा अभी मुझे फेयरिंग संभाल के रख के करना पड़ेगा। ये आ गया बल्ब बाहर, ये आ गया ये वाला बल्ब बाहर, इसको हम एलईडी बल्ब से चेंज कर देंगे। ये बैठ गया ऐसे, अभी सिर्फ वायर जोड़ के एक बार चेक कर लेते हैं कि ये जल रहा है कि नहीं, एक बार ट्रायल रन ले लेते हैं पूरी बाइक जोड़ने के पहले। यस, ये जल रहा है। अभी जिस तरह से इसको निकाले थे उसी तरह इसको वापस रिफिट कर देते हैं। अभी बारी आती है इसी वक्त इसके फ्लैशर को चेंज कर लेने का, क्योंकि फ्लैशर ये साइड में ही है, वो साइड में नहीं है। तो ये वाला है वो फ्लैशर जो मेरे इंडिकेटर को जो राइट स्पीड में उसको फ्लैश करने में हेल्प करेगा। तो ये है वो फ्लैशर जो कंपनी ओरिजिनल है, जिसको हम लोग एक्चुअली चेंज करना है। पहले तो इसको निकालते हैं, तो मैंने इसको निकाल दिया, ये ओरिजिनल रिले है, ये अभी मुझे संभाल के रखना पड़ेगा। और ये है एलईडी का AliExpress वाला रिले, मैंने उसका वो ओरिजिनल का रबर माउंट निकाल लिया है, और ये वो रबर माउंट मैंने इसको पहना दिया है, और ताकि ये रबर माउंट निकल ना जाए मैंने इसके होल में से, ये जो होल है ये होल यहाँ से एक टाई पास करके मैंने कट कर दिया है, ताकि ये एक टाइप का लॉक बन जाए। अब इसको मैं यहाँ पर जगह पर, यहाँ पर इसका जो दूसरा कॉलर है वो इस कॉलर को, ये यहाँ पर इस कॉलर को पहना दूँगा यहाँ पर। तो ये इस तरह से ये इसका फ्लैशर सही जगह पे बैठ गया। इसके वायर को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दें ताकि ये ज़्यादा फैले ना। हाँ, आई थिंक सो ये सेटल्ड है। अभी इस तरह से फ्लैशर रिले का काम हो गया। अब आता है इसके फेयरिंग को बिठाने का पार्ट। सबसे पहले तो इसके जो ये पार्ट्स हैं, ये पार्ट इसके अंदर स्लाइड करना है, और अगर आपके पास फ्रेम स्लाइडर हो इस तरह से तो पहले उसको ऐसे पहना ले, और फिर थोड़ा सा पीछे लेके ये एरो, ये जो है पॉइंटेड पार्ट्स, ये सही सही से जाने अंदर। हाँ, ये बैठ गया। तो चेक, आप देख सकते हैं सारे होल्स ऑलमोस्ट अलाइन हो गए हैं, और फिर यहाँ पे जो मैंने स्टब बोला था वो, ये जो हुक है ये ऊपर का, ये हुक ऐसे करके बिठा देना है, और इस तरह से इसको एक जनरल प्रेस देना है ताकि इसका वो जो स्टब है वो जगह पे जाके बैठ जाए।
जैसे वो स्टब ऑटोमेटिक बैठ ही गया है, ये दिख रहा है आपको, ये बढ़ गया स्टब और ये बढ़ गया हुक। ये तो सब जगह पे ही है, यहाँ पे ये अलाइंड है और ये यहाँ पे अलाइंड है। यहाँ का स्क्रू बिठा दो, यहाँ का स्क्रू बिठा दो, ये पुश बटन्स बिठा दो, और जिस तरह से मैंने ये इंडिकेटर बिठाया है उस तरह से दूसरी तरफ का इंडिकेटर चेंज कर दो। सिर्फ दूसरे साइड पे थोड़ा सा फेयरिंग खोलने का जुगाड़ जो है वो थोड़ा अलग है। ये बढ़िया सेंसर, अब देख लो भैया फर्क। ओरिजिनल बल्ब और एलईडी बल्ब दोनों के ग्लो पैटर्न में कितना फर्क है, ब्राइटनेस आप ही बोलो, मुझे तो इसका ब्राइटनेस ज़्यादा लग रहा है। तो डे टाइम का आपने देख लिया, मैं नाइट टाइम का भी इसको दिखा दूंगा आपको कंपैरिजन। अगले साइड में फ़र्क ये है कि ये वाला जो स्क्रू है वो जैसे कि उस साइड का दो दिख रहा था, ये एक ही है। सिर्फ फर्क यह है कि यहाँ पे एक नीचे एक हीट शील्ड है, ये दिख रहा है, ये एग्जॉस्ट हीट शील्ड, ये एग्जॉस्ट हीट शील्ड इस फेयरिंग को इस छेद से अगर नज़र आ रहा है, पता नहीं इस छेद से आपको नज़र आ रहा है कि नहीं, ये यहाँ पे आपको मेरी उंगली दिख रही है क्या, डोंट नो, ये यहाँ पे जुड़ी हुई है यहाँ पे। तो फेरी निकालते वक्त इस चीज़ का ध्यान रखना है यहाँ पे, तो मैं भी इसका फेरी निकालता हूँ। फाइनल चेकिंग,
सो गाइज होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और बहुत जल्द और भी वीडियोस बनाने की आशा रखता हूँ। हाल फिलहाल ही में मैंने एक प्री ओन्ड जिप्सी ली है, उसके बारे में भी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। ओके, टेक केयर।